हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एंड उसके बारे में हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिया था, एंड साथ साथ में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी वगैरह के बारे में जो है वो एक जनरल फिनोमेना बता दिया था। आज हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन फेजेस में बांटा था, जिसकी पहली फेज है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले, ठीक है, तो निषेचन से पहले होने वाले जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगी। अब जैसे कि देखें, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल फीमेल का फ्यूजन होता है, कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। सो जाइगोट का फॉर्मेशन जो होगा उससे पहले गैमिट्स बनने तो चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए। सो ध्यान रखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में स्टूडेंट सबसे पहले होता है गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस सबसे पहला जो है वो प्रोसेस होगा कि एक पर्सन जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो गैमिट्स को प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाएगा। अब एक बात देखो, कोई भी पर्सन होता है ना, तो उसकी लाइफ में कुछ फेजेस आती हैं, जैसे जुवेनाइल फेज है ना, जुवेनाइल फेज है, एडल्टहुड फेज है, एजिंग फेज है। तो मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताई थी स्टार्ट चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर। सो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी कभी हमारे अंदर प्यूबर्टी फेज एंटर करती है, सो हमारे अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि गैमिट्स बनेंगे कब, एक पर्टिकुलर एज आने के ऊपर ही तो बनेंगे। तो जुवेनाइल फेज जो होती है यानी प्यूबर्टी फेज जो है, उसमें किशोरावस्था के दौरान एक पर्सन के अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, युग्मकों का निर्माण होना लग जाएगा। और ये जो युग्मक है ना केवल एनिमल्स के अंदर बल्कि प्लांट्स के अंदर भी बनेंगे, ठीक है। तो सेम गैमिट्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर भी बनते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि चेंजेस इन दी प्यूबर्टी फेज कौन कौन से होते हैं, बिकॉज उन चेंजेस के बेसिस पे ही हम देख सकेंगे कि हाँ ये पर्सन अब रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर एंटर करने वाला है, ओके। सो सबसे पहले देखें, हम देखेंगे कि जुवेनाइल फेज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हम प्लांट्स की जुवेनाइल फेज के बारे में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जो जुवेनाइल फेज होती है ये इनकी लाइफ की सेकेंड नंबर फेज होती है। पहली फेज होती है इनकी वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज यानी कायिक प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर देखो, वेजिटेटिव फेज में तो क्या होता है कि प्लांट्स अपने रूट, स्टेम और लीफ को डेवलप करता है, ठीक है। किसे डेवलप करेगा, वेजिटेटिव फेज में प्लांट रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप करेगा, ठीक है, जड़, तना और पत्तियों का निर्माण करेगा। लेकिन उस समय तक वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर नहीं होगा। देन आगे जाकर के वो जुवेनाइल फेज में एंटर करेगा, तो प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। सो क्लियर रखने ला कि फ्लावरिंग इज द रिप्रोडक्टिव साइन इन प्लांट्स, ठीक है। कि प्लांट्स में जब पुष्पन होता है यानी कि फ्लावरिंग होना स्टार्ट होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए अब तैयार हो रहा है। वो अलग बात है कि पहले बड का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर भी कम्प्लीटली बनेगा, मैच्योर होगा, तो देन वो चीज़ तो है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर जो है वो बनने लग जाते हैं। तो फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लावर इज सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये केवल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारे सभी प्लांट्स जो होते हैं ना, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडो, जिम्नो, ये जितने भी प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह, सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इन सब में फ्लावर्स नहीं पाए जाते। क्योंकि हमारे ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो है, तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की बात की जाती है। तो ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, यानी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाया जाना इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनमें फ्लावर्स थे, ओके। ये क्लियर रखेगा, सेकेंड चैप्टर अपना इसी के ऊपर ही है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है वो सेक्सुअल पार्ट होता है एक प्लांट का, क्लियर है बात। चलो
आगे देखते हैं। देखो अब मैंने कहा जैसे हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो फ्लावरिंग करेगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन एक बात क्लियर रखिएगा कि हर प्लांट जो है वो इक्वली टाइम इंटरवल में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि उनमें इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कभी भी जो फ्लावर्स हैं वो नहीं बनते। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट दी लाइफ फ्लावरिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक साल में कई बार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे। सो देखें यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग के बेसिस पे प्लांट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, मोनो का मतलब होता है सिंगल टाइम, ओके, पॉली का मतलब मैनी टाइम्स। सो अगर कोई प्लांट जो है वो साल पूरी लाइफ में केवल एक बार ही अगर फ्लावरिंग करता है तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि आज आपने जो है वो कोई सीरियल यानी कि अनाज जो है उसका पौधा उगाया, ठीक है। अब जैसे हम गेहूं उगाते हैं तो गेहूं तो क्या है कि कुछ महीनों के अंदर 6 महीने के अंदर इसकी फसल कट के अलग हो जाती है। सो उसकी लाइफ जो है वो हम एक साल के लगभग अंदर मान लेते हैं कि दे आर दी एनुअल प्लांट्स, ठीक है ना। तो ये एक वर्षीय पौधे होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं। तो अगर इनका लाइफ जो है वो एक साल के अंदर अंदर ही है तो एक साल के अंदर देखा जाए तो इनमें तो फ्लावरिंग एक बार ही होती है। अब एक साल का मतलब पूरा एक साल नहीं होता कि 12 मंथ आप काउंट कीजिएगा, उसमें 6-7 महीने के अंदर फसल कट के ख़त्म हो जाती है तो वो लगभग एक साल हम मान लेते हैं। तो देखें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि वीट है, राइस है, ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं सीरियल्स के प्लांट्स हैं, सो ये प्लांट्स जो हैं इनकी लाइफ ही 6 महीने की होती है लगभग, एंड एक साल के अंदर अंदर ये एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं तो उनकी लाइफ टाइम भी उतना ही माना गया एंड उसके अंदर तो एक ही बार फ्लावरिंग हुई। सो हम इनको मोनोकार्पिक प्लांट्स में गिन लेंगे, ओके, ऐसा है। कुछ 2 साल जिंदा रहने वाले यानी कि बाइनियल प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, दे आर ऑल्सो मोनोकार्पिक प्लांट्स, बिकॉज देखें इनकी जो लाइफ है वो लगभग 2 साल के अंदर अंदर होती है, यानी वन ईयर से 1.5 ईयर के आसपास आप मान लीजिए, ठीक है, कम्प्लीटली 2 ईयर्स नहीं होती। तो बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं रेडिश एंड कैरेट, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्लावरिंग, बट इनके अंदर लाइफ में मतलब पूरी लाइफ साइकिल में इनमें 2 साल के अंदर केवल एक बार ही फ्लावरिंग होगी, ठीक है, फ्लावर हुए, फ्रूट्स दिया, देन नष्ट, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि किसी की अगर लाइफ छोटी है तो उसके अंदर वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा एंड बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ होती है बहुत लंबी, लगभग 100-100 साल की होती है, 80 ईयर्स की होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो सिंगल टाइम होती है पूरी लाइफ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सो देखें उन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स, क्या बोलेंगे, पेरिनियल प्लांट्स। तो पेरिनियल प्लांट्स यानी कि बहुवार्षिक पौधे, ठीक है, बहुवार्षिक पौधे जो होते हैं वो पेरिनियल प्लांट्स जो हैं, ठीक है, तो ये जो क्या करेंगे कि ये लाइफ में एक ही बार करेंगे फ्लावरिंग, लेकिन इन्हें करनी तो बहुत बार चाहिए थी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जैसे स्पेशल एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, इसको हम नीला कुरंजी प्लांट भी बोलते हैं बच्चों, नीला कुरंजी प्लांट, ठीक है। तो नीला कुरंजी प्लांट जो है आप देख लीजिए इसको, ये पेरिनियल होते हुए भी ये लाइफ में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करता है, ठीक है, ठीक है ना, ये केवल
एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। इसके अंदर लगभग देखा जाए तो लगभग 12 साल के अंदर एक बार जो है वो इसकी फ्लावरिंग होती है। लेकिन इसकी जो लाइफ है, जैसे मान लीजिए कि आज अगर कोई प्लांट है, जैसे ये अपन बोलते हैं कि नीला करुंजी प्लांट हुआ, ठीक है, इसमें 12 ईयर्स में एक बार होती है, ठीक है ना, 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होती है, जैसे लास्ट हुई थी 2018 में। लेकिन इसका लाइफ साइकिल जो है, वो मान लीजिए कि अगर 20 साल का ही हुआ, 20 साल का ही हुआ, तो ये 12 ईयर्स के अंदर एक बार फ्लावरिंग करता है, तो अगले 12 ईयर्स तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, लाइफ इसकी पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि लाइफ साइकिल जो है, यहाँ पर बड़ा होते हुए भी फ्लावरिंग एक बार हो सकती है। तो ये क्लियर रखना कि ज़रूरी नहीं है एनुअल और बाइनियल प्लांट्स के अंदर ही ऐसा मिले। एनुअल को एक वार्षिक पौधे कहा जाता है एंड बाइनियल को द्विवार्षिक पौधे बोलते हैं हम, ठीक है, ये क्लियर रहे। हाँ, तो देखें कि इसके अंदर जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि अगर लाइफ साइकिल जो है वो छोटा है प्लांट का तो उसके अंदर आपको केवल लाइफ में एक बार फ्लावरिंग मिलेगी। लाइफ टाइम जो है वो बड़ा होने के बावजूद जो है वो एक बार ही फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि पेरिनियल प्लांट्स के अंदर हमने देखा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के अंदर, ठीक है। अब देखें, अब आते हैं नेक्स्ट पॉलीकार्पिक प्लांट्स पे। पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं ये लाइफ में बहुत बार फ्लावरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो इनके अंदर जनरली जो आते हैं वो आएंगे सिर्फ पेरिनियल प्लांट्स ही आएंगे, ठीक है ना, पेरिनियल प्लांट्स। अब पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें, जैसे मैंगो है, ठीक है, ग्रेप्स हैं, ठीक है, ग्रेप्स हैं, मैंगो है, तो इन सबके अंदर जो है वो आपको बहुत बार देखने को मिलेगी फ्लावरिंग, ये क्लियर रखना, ठीक है ना, बहुत बार फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो है वो ये होंगे। तो यहाँ पर जुवेनाइल फेज जैसे प्लांट की आती है तो उनमें फ्लावरिंग का होना एक सेक्सुअली चेंज दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। सॉरी, ये हो गया जुवेनाइल फेज ऑफ प्लांट होता है बच्चों, ठीक है ना, जुवेनाइल फेज ऑफ फेज लिख दिया मैंने गलती से, जुवेनाइल फेज ऑफ प्लांट्स, इतना तो आप समझते ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जुवेनाइल फेज ऑफ एनिमल्स। देखिए एनिमल्स के अंदर जो है, जो जुवेनाइल फेजेस में चेंज आएंगे, वो सबसे बड़ा चेंज होता है उनके अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होना, ठीक है। सो गैमेट्स का प्रोडक्शन जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मेल है, अब मेल के अंदर तो पर्टिकुलरली आपको बाहर से कोई चेंज होता हुआ नहीं पता चलेगा कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है ये इस चीज़ को हम देख सकते हैं आराम से। तो मेल के अंदर देखना संभव नहीं है, उसमें इंटरनली आपको टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो देखिए क्या होगा कि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है ना, एनिमल्स में फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर आपको अलग अलग साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कुछ एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। इससे पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं, एक दो पॉइंट है, इसको नोट आउट कीजिएगा। जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स, सेकेंड वन कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है, कंटिन्यूस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स। देखिए सीजनल ब्रीडर्स के अंदर आते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, मोस्टली बर्ड्स हैं, लिजार्ड हैं, ये सारे जो होते हैं ये पर्टिकुलर कुछ सीजन आने पर ही ब्रीड कर सकते हैं। उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, है ना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो उसी समय पर पर्टिकुलरली मैच्योर होते हैं, तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है। लेकिन कंटिन्यूस ब्रीडर जैसे कि ह्यूमंस हैं, अब ह्यूमन अपनी लाइफ टाइम के दौरान मोस्टली ऐसे लगभग बहुत सारे टाइम आते हैं कि जब वो एक पर्टिकुलर एज में कंटिन्यूस ब्रीड कर सकता है, ठीक है। अब वो तो एज लिमिट तो होती है, वो मानते हैं हम, लेकिन अगर हम जैसे एक साल के अंदर बात करें ना, तो उसकी बात चल रही है, जैसे एक साल के अंदर कोई एक बार ही कर सकेगा,
ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एक वन ईयर के अंदर बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स जो कि केवल क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कुछ एक टाइम इंटरवल में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एनिमल्स विच कैन रिप्रोड्यूस ओनली सम स्पेसिफिक सीजन्स, ओनली इन सम स्पेसिफिक सीजन्स इन अ ईयर, जो साल के केवल कुछ पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है लिजार्ड है, ठीक है, फ्रॉग है, मोस्टली बर्ड्स हैं, ठीक है, मोस्टली बर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स की बात करें तो इनके अंदर आता है कि एनिमल्स विच कैन रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स इन अ ईयर इज कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ सीधा, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, मोस्टली मैमल्स जो हैं वो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, कंटिन्यूसली कर सकते हैं, ओके, एक साल के अंदर। अब देखो इनके अंदर जो है, जैसे मैंने कहा कि मेल के अंदर स्पेसिफिकली कोई एक आपको बाहर से चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर जुवेनाइल फेज में मिलेंगे। तो देखो, एक होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर का आना, यानी कि बियर्ड वगैरह होना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, ठीक है ना, वॉइस का जो है हैवी होना, दिस इज़ द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। बट ये कभी भी प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर में नहीं आते। अगर किसी में ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ज़रूर बिल्कुल नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी इसकी अपन गारंटी दे सकें। स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, वो मेन चीज़ है। अब मेल के अंदर तो ये कहानी है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है वो आपको एकदम बाहर से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और वो चेंज है स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। सो देखते हैं हम यहाँ पर कि फीमेल्स में जुवेनाइल फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब देखिए यहाँ हम जो एनिमल्स में फीमेल्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए एनिमल्स के जो हैं वो दो ऑर्डर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमेट ऑर्डर्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट ऑर्डर्स। तो देखिए जैसे प्राइमेट ऑर्डर फीमेल्स, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं प्राइमेट ऑर्डर्स की, जैसे कि हम बात करें मंकीज आते हैं इसमें, एपीज आएंगे इसमें, एंड ह्यूमन बींग्स आएंगे, ठीक है। इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं इनमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उन साइक्लिक चेंजेस को, ठीक है ना, साइक्लिक चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल अपीयर इन जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज के अंदर जो है वो इनमें स्टार्टिंग होती है, जैसे कि मान लो 13-14 साल की बात करें, अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो 13-14 साल में ये स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन वो डिपेंड करता है अब किसकी लाइफ साइकिल जो है वो लाइफ स्पान पूरा कितना है, तो जितना जीवन काल होता है लाइफ स्पान उसके अकॉर्डिंग जुवेनाइल फेज अपीयर होती है। जुवेनाइल फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होगी। अब देखो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है ना कि ओवरीज जो होती हैं यानी अंडाशय, उसके अंदर एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, अंडाणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, एग बनने लग जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो फीमेल का यूट्रस है उसमें भी कुछ चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है ना, फीमेल के यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस आते जाएंगे। अब जो यूट्रस में जो चेंजेस आएंगे उसके कारण क्या होता है, देखें एक बात समझना, अब थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हम ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया यूट्रस, ये होगी फेलोपियन ट्यूब, ये हो गई ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है इधर भी और इधर भी, ठीक है, ये हो गया यूट्रस, यूट्रस की ये इनर लाइनिंग हो गई, ठीक है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये ओवरी है। सो देखें यहाँ ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लगातार एग का फॉर्मेशन चलता रहता है,
एक समय ऐसा आता है कि जब देखो जब एग का फॉर्मेशन चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पर्टिकुलर कुछ डेज लगते हैं इसके अंदर, 13-14 डेज लगेंगे, तो यहाँ पर जब एग का फॉर्मेशन चलता है उस समय पर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, बिकॉज आगे जाकर के ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवम जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ पर्टिकुलर डेज पर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, यानी कि स्पर्म्स अगर एंटर कर जाते हैं, तब तो यूट्रस जो है इसकी लाइनिंग थिक ही रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा, और वो जाइगोट जो है वो आगे जा करके एक बेबी के रूप में जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में इस तरीके से अटैच हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इस दौरान पर अगर फर्टिलाइजेशन सेम डे पर नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि जो 13-14 डे होते हैं उस समय पर अगर नहीं हो पाता है, तो पहली बात तो ये कि जो एग है वो अपनी अपनी जगह छोड़ देगा एंड डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा एंड आगे आ जाएगा यूट्रस के अंदर। यानी अब अगर स्पर्म्स आ भी जाएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेगा। ओके, पहला तो चेंज ये आता है जो एग में आया। दूसरा चेंज ये आएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस के ऊपर जो वॉल होती है ना, इस ये ब्लड ब्लड वेसल्स कंटेन करती है, तो यूट्रस की जो जो वॉल होती है वो स्लाउच ऑफ हो जाती है, यानी बॉडी से बाहर निकल आती है। ठीक है, बॉडी से बाहर आ जाएंगी एक, तो इसका मतलब है कि बॉडी में ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी? बॉडी के अंदर ब्लीडिंग फेजेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यूट्रस की लाइनिंग देखो, अगर ये जो मंथली साइकिल होता है, कम्प्लीटली मंथली साइकिल होता है लगभग 28-30 डेज का होता है। ठीक है, और इसमें अगर पर्टिकुलर कुछ डे पे अगर रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, देन यूट्रस की वॉल स्लाउच ऑफ हो जाएगी एंड वेजाइना के थ्रू होते हुए वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आ जाएंगी। और ये जो ब्लीडिंग फेज होती है ये लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 से 6 दिनों तक चलती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज का टाइम जनरली देखा जाए तो इतनी होती है। इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। ओके, ऐसा होता है। तो अब देखो इंटरनल क्या चेंजेस चल रहे हैं वो तो फीमेल्स में ऐसे भी नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग फेज होगी तो उससे ये तो पता चल सकेगा कि अच्छा एग का फॉर्मेशन हुआ था, यूट्रस जो है उसकी लाइनिंग जो है वो अब टूट चुकी है। ठीक है, एंड देन जैसे इसका मतलब है कि वो फीमेल जो है एग बन रहा है उसमें एंड वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर नहीं होगा, मैंने ब्लीडिंग फेज बाहर नहीं आई, तो उससे पता चल जाएगा कि एग फॉर्मेशन ठीक से नहीं चल पा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो चुका है ना, एंड शी कैन नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पर क्लियर रखना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, 28-30 डेज का होता है, उसमें से 5 से 6 दिन तक ब्लीडिंग फेज होती है। ये वेरी कर सकता है अमाउंट जो है, ये वेरी कर सकता है टाइम पीरियड, पर्सन की फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चों प्राइमेट ऑर्डर्स की फीमेल में, जैसे मंकीज़ में, एपीज़ में एंड ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अब देखो जब कभी जुवेनाइल फेज में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है, सो उसको उसको हम बोलते हैं मीनार्की। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसे हम बोलते हैं मीनार्की, मीनार्की। ओके, एंड कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है वो बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग फेज बंद हो जाती है, उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। सो एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनोपॉज। ठीक है ना, पॉज लग गया यानी कि रुक गया, मीनोपॉज हो जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। मीनार्की जो है वो जुवेनाइल फेज की स्टार्टिंग में होती है, लगभग ह्यूमंस के अंदर 13-14 साल की बात करी जाए, एंड मीनोपॉज जो होता है वो 45-50 साल के ईयर्स के बीच में कभी भी मीनोपॉज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना। अब इसके अंदर मैं कुछ एक चीज़ बता देती हूँ आपको। देखो क्या होता है ना कि जब भी कभी ब्लीडिंग फेज चल रही होती है, ठीक है, जब भी कभी ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज चल रही होती है, तो फीमेल कैन नॉट परमिट कॉपुलेशन। ठीक है ना, सो ड्यूरिंग दिस फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज फीमेल कैन नॉट परमिट
परमिट कॉपुलेशन, ठीक है। फीमेल कॉपुलेशन नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती, इस चीज़ का एक तो रीज़न ब्लीडिंग होना है, दूसरी बात ये चीज़ ध्यान रखना कि इस समय पे जो हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल्स के, जो प्रेगनेंसी कंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो बिल्कुल लो होते हैं जब ब्लीडिंग फेज होती है, तो प्रेगनेंसी इस दौरान पे कंटेन नहीं हो सकती, ठीक है, एंड कॉपुलेशन भी इस दौरान पे नहीं हो सकता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्रीफ में, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो ध्यान रखिएगा कि ये क्लियर रखिएगा, ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो बची जो है नॉन प्राइमेट्स ऑर्डर की फीमेल्स, उनमें भी देख लेते हैं कैसा होता है। चलो देखिए स्टूडेंट्स, नॉन प्राइमेट की फीमेल्स जो होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह एक छोटा सा साइकिल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम क्या होता है, तो नॉन प्राइमेट्स ऑर्डर फीमेल्स, ओके, नॉन प्राइमेट्स के अंदर इनमें पाया, जैसे इसके अंदर आती है काउ है, ठीक है, शीप है, डियर है, ठीक है, इनके अंदर देखेंगे हम, ठीक है, डॉग भी इसमें आता है, ठीक है ना, टाइगर भी इसी में आते हैं। तो काउ, शीप, डियर वगैरह जो होते हैं ये सभी की सभी नॉन प्राइमेट ऑर्डर की फीमेल्स हैं, ओके। अब इनके अंदर क्या होगा कि लगभग आपको अलग अलग दिनों का, है ना, जनरली अगर मैं मानूँ तो जैसे 3 से 10 दिन के अंदर इतना छोटा सा ही एस्ट्रस साइकिल होता है, तो इनमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है, एस्ट्रस साइकिल मिलेगा। अब ये जो एस्ट्रस साइकिल होता है इसके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है ना, एग का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। इनमें देखो क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सॉरी, एस्ट्रस साइकिल का जो एंडिंग होती है, ठीक है ना, उनमें ब्लीडिंग नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो जब एंड हो रहा था साइकिल तो उसके रिजल्ट बता रहे थे तो ब्लीडिंग फेज हो रही है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उनके अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग थी वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होगा कि यूट्रस, तो ब्लीडिंग फेज डज नॉट अकर, पहली चीज तो ये ब्लीडिंग फेज डज नॉट अकर, फर्स्ट चीज, ठीक है, एंड यूट्रस अपन ये बोल सकते हैं कि यूट्रस लाइनिंग रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, होता है ये चीज़ है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है यानी जो उसकी थिकनिंग्स है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर ही, तो वो बॉडी से बाहर नहीं आती, ठीक है, ये क्लियर रखेगा। अब इनके अंदर देखो क्या होता है कि जो यूट्रस लाइनिंग है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, अब मतलब बाहर नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग चीज़ देखने को मिलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। जैसे देखो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब ब्लीडिंग फेज होती है ना, तो उस दौरान फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आएंगे। हार्मोनल चेंजेस के अंदर मूड स्विंग्स होना एंड देन सेक्स अर्ज बिल्कुल भी डेवलप ना होना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेक्स अर्ज जो होता है, ठीक है, वो जो तो सेक्स अर्ज बिल्कुल लो होता है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल के अंदर सेक्स अर्ज जो है वो मैक्सिमम होता है। यानी इस यहाँ ये जो नॉन प्राइमेट्स की फीमेल है वो केवल एस्ट्रस फेज के दौरान ही कॉपुलेशन कर सकती है, जबकि प्राइमेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनमें ब्रीडिंग फेज के दौरान सेक्स अर्ज नहीं होता कभी भी, हॉर्मोन्स लो होते हैं एकदम, ओके। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट कैन कॉपुलेट या दे कैन परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस फेज, ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस फेज because sex urge is high, ठीक है, ठीक है, तो sex urge जो होता है वो इस दौरान बहुत ही high होता है, तो इस condition में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो इनके अंदर क्या होता है कि जो estrus cycle है ये भी सब में अलग अलग पाया जाएगा। जैसे कुछ ऐसे non primates में होते हैं जो कि 1 साल के अंदर 1 बार ही estrus cycle कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो 1 ईयर के अंदर 2 बार कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो 1 ईयर के अंदर
मैनी टाइम्स उनके अंदर हो सकता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले बात करें इस बेसिस पे, जैसे एक होते हैं मोनो एस्ट्रस, यानी जिनमें केवल वन टाइम ही ईयर के अंदर एस्ट्रस साइकिल मिलेगा। एक होते हैं बाई एस्ट्रस और लास्ट वन इज पॉली एस्ट्रस एनिमल्स, ठीक है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, मोनो एस्ट्रस, बाई एस्ट्रस एंड पॉली एस्ट्रस। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखो मोनो एस्ट्रस जो है वो जनरली जैसे आपको देखने को मिल सकता है फॉक्स वगैरह के अंदर, ठीक है, साल में एक बार होगा। बाई एस्ट्रस ये आपको मिल सकता है जैसे डॉग वगैरह के अंदर मिलता है, ठीक है, एंड पॉली एस्ट्रस जो है वो आपको माइस वगैरह में मिलेगा, ठीक है ना, माइस में देखने को मिलेगा। तो ये एक लाइफ, एक ईयर के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है ना, हम ये पूरी लाइफ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वन ईयर के अंदर कितनी बार एस्ट्रस साइकिल अपीयर होगा वो चीज़ है। अब जबकि अब आप देखें यहाँ पर वन ईयर के अंदर अपन अगर प्राइमेट ऑर्डर्स की बात करें तो पर मंथ उनके अंदर जो है वो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होगा। तो 12 मंथ, वन ईयर के अंदर 12 टाइम्स जो है वो साइकिल अपीयर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आज हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जुवेनाइल फेज में एक फीमेल के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको इससे आगे का पढ़ाऊँगी। तो हमसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।